राजीव दास जी, प्रधानमंत्री आए, आपने पूजा कराई, कुछ बात हुई कि नहीं? जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि संस्कृत आजादी की आज पहला दिन है, महाराज के चरणों में दंडवत, आपको ढेर सारी शुभकामना और इकबाल भाई को धन्यवाद। इस आजादी के उस समय इन्होंने माना कि गलत हुआ था, अब सही हुआ। रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी, सोमवार को ही माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तय किया था कि सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है, उनके जन्मभूमि पे आना है और हनुमान जी महाराज राम जी के अनन्य भक्त हैं, तो पहले हनुमान जी से मिलना है। इसके नाते महाराज जी, गुरु भाई राजू दास जी, आपसे निवेदन है कि आपके यहाँ तो 750 साधु हैं और हमको लगता है कि कम से कम 100 लोगों ने कहा कि नहीं मुख्यमंत्री जी, हमको प्रधानमंत्री जी के साथ रहना है। कोई कहा गदा भेंट करना है, किसी ने कहा चांदी की ईंट भेंट करना है, किसी ने कहा अष्टधातु की भेंट ईंट करनी है। इसके नाते आपसे निवेदन है, क्योंकि देश और दुनिया और विपक्ष और मीडिया या कह रही कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, उसके बाद भी मोदी अयोध्या आ रहे हैं, कुछ न कुछ अप्रिय होगा, लेकिन नहीं, मर्यादा का हम लोगों ने फॉलो किया। खुद मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को रिसीव किया, हमने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को आरती कराई, प्रधानमंत्री जी ने आरती किया, आरती के बाद प्रार्थना किया, प्रार्थना के बाद परिक्रमा किया, उसके बाद उनको प्रसाद दिया, प्रसाद देने के बाद हमने वहां पर जो है उनको एक साफा पहनाया और मुकुट पहनाया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महाराज जी, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि साधु संतों के संघर्ष से, हिंदू जनमानस के संघर्ष से आज ऐसा अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। इसके नाते महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि जिस कार्य के लिए हनुमान जी सदैव तत्पर रहते हैं, आज वो कार्य करने में जा रहा हूं। तो मैं इकबाल भाई से निवेदन करना चाहूंगा और उनसे साफ साफ शब्दों में उनका मत चाहूंगा, क्या मुस्लिम जो ट्रस्ट है वो, और जिस प्रकार ओवैसी का ट्वीट और जिस प्रकार मुस्लिमों का ट्वीट है कि मैं तो उसको मस्जिद मानता हूँ, जीवन प्रयत्न मस्जिद ही मानता रहूंगा और भविष्य में मैं राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाऊंगा, इस पे आपका क्या राय है? देखिए महाराज जी, अभी हमने इससे पहले कहा कि हम जो है किसी की बात को सुनते नहीं। देखिए, लीपा पोती भाषा करते करते आज 70 वर्ष आपकी देने की मैं लड़ाई लड़ा। जब आपसे मैं बात कर रहा था, आप लगातार डिबेट में थे इकबाल भाई, आपके पिताजी भी लगातार हमारे हनुमानगढ़ी के साधु के संपर्क में रहे, स्वर्गीय बाबा अभिराम दास जी महाराज 1949 में मूर्ति पधराए, तब से आपके पिताजी के लगातार टच में और वार्ता चल रहा था। इसके बीच में हम लोगों आपसे अथक प्रयास किया कि इकबाल भाई, हम लोग अयोध्या के हैं, मान जाओ, आप भी तैयार थे, पता नहीं कैसे आपको तो किसने धमका दिया। अब तो राजू दास जी मान गए ना वो, अब क्या मनवाना चाहते हैं? नहीं, मान गए, इनको साधुवाद है, इनको मैं बधाई दे रहा हूँ, इनको गले लगाया, जैसे मैं पहले आया पहले इनको मैं बधाई दिया, इनसे मैं मिला, इनसे मैं आशीर्वाद लिया, मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन आज ये साफ साफ बोल दें कि ऐसे राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी, जो नहीं चाहते हिंदू और मुसलमान एक साथ रहे, जो नहीं चाहते सनातन धर्म संस्कृति की आजादी बरकरार रहे, और लगातार संसद भवन में वो बैठता है व्यक्ति, और देश के खिलाफ लगातार साधु संतों सनातन धर्म के खिलाफ विरोध करता है, उसके खिलाफ ये क्या बोलना चाहते हैं? साफ साफ बताएं कि ऐसे मुसलमानों का मैं विरोध करता हूं, ऐसे कहें अयोध्या से? ये बोलिए इकबाल अंसारी, क्या कहना चाहते हैं? बोलिए इकबाल जी। देखिए महाराज जी, तो जो है साधु संत है, इनका में जो है, मैं सारे साधु संतों का मैं जो है सम्मान करता हूँ। साजुदास जी कहते हैं कि मुसलमान जो है, मुसलमान हिंदुस्तान में जो है, हिंदू मुसलमान मिला तो अंग्रेज भाग गए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो वीर अब्दुल हमीद बन के रहे, APJ अब्दुल कलाम बन के रहे, हम उसे हिंदुस्तान में अगर हैं तो कहाँ गद्दार हैं? नहीं, आपको मैंने गद्दार नहीं कहा, 70 साल जो संघर्ष किए, हमेशा हिंदुस्तान के वफादार रहे, और हिंदू मुसलमान मिले तो अंग्रेज भाग गए। आपने लगातार, ये हमारे घर का झगड़ा था, हिंदू जनमानस ने संघर्ष किया, हम कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं। मेरा एक सवाल है, पूरी दुनिया जानती है, मेरा एक सवाल है, अगर हिंदुस्तान में मुसलमान को वफादारी को देखना चाहते हो, मुसलमान का विरोध होना चाहिए कि नहीं? इकबाल भाई, नहीं, गोल गोल बंदूक,
गोल मत घुमाइए, गोल गोल मत घुमाइए, आप साफ साफ बोलिए कि ऐसे राष्ट्र विरोधी मुसलमान का हम विरोध करते कि नहीं। नहीं अदालत राजू जी मुझे लग रहा था कि कोरोना नहीं होता तो शायद आप दोनों लोग आज गले मिलके देश के सामने एक अनूठी मिसाल की तस्वीर पेश करते। लेकिन अभी कड़वाहट कहीं बाकी है, मैं इनसे हाथ मिलाता हूँ, ऐसा नहीं। हम भी कड़वाहट कहीं बाकी है, संतों के बीच में रहे हमेशा, हम संतों के बीच में रहे। अगर ओवैसी कुछ कह रहे हैं, अगर ओवैसी कुछ कह रहे हैं या मुस्लिम लॉ बोर्ड कुछ कह रहा है तो इकबाल अंसारी के कंधे पर रखकर आप उनसे जवाब क्यों चाहते हैं, जबकि ये आपके बगल में, ये मेरे भाई भूमि पूजन में बैठकर आ गए आज। जब इनको ट्रस्ट ने मान्यता दे दी कि ये हमारे मेहमान के तौर पर शामिल हो सकते हैं, तो आप उन लोगों की बात पर इनसे जवाब क्यों चाहते हैं जिनको ये खुद मान्यता नहीं देते? राजू जी, मैं ओवैसी को जवाब देना चाहूंगा। आधा मिनट महाराज जी, आधा मिनट आप बोलिए, आधा मिनट, फिर मैं संबित पात्रा को भी लाऊं चर्चा। रोहित जी, हमारी और इनकी एक साथ उठते हैं, एक साथ रहते हैं, इनको पूछ लीजिए, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इनके द्वारा वहां पर नवाज का भी कार्यक्रम हुआ, इनको भर भंडारा में भी बुलाते हैं, उतना सम्मान करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से मैं इनको मानता हूं, ये दोअक्खी करते हैं। अगर ये दोअक्खी नहीं करते तो जब इनसे हम लोग चर्चा करते थे कि इकबाल भाई आप मिल जाओ, देश दुनिया का मुसलमान उल्टा सीधा अयोध्या के मुसलमानों को कह रहा है। राजू जी, उनको नाराजगी नहीं है कि वो केस हार गए, आपके पक्ष में फैसला आया, उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन आपको इस बात की अपनी नाराजगी है कि ये कभी भी अदालत के बाहर समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए। नहीं, एक शब्द में मैं इनकी बयान चाहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी जैसे राष्ट्र विरोधी विचारधारा के साथ है, कि वीर हमीद अब्दुल जैसे लोगों के साथ है, वो तो उन्होंने कह ही दिया। अब्दुल कलाम जैसे लोगों वो तो उन्होंने कह ही दिया, तो खुद ही कहा उन्होंने, इन्होंने खंडन करे, विरोध करे। क्या आप ओवैसी के बयान का समर्थन करते हैं या पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान का समर्थन करते हैं? इकबाल अंसारी भाई, हम तो साफ कहते हैं, माइक पास कर लीजिए, हम तो अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या के लोगों का समर्थन करते हैं। अब वो हैदराबाद में रहते हैं और राजू दास को चाहिए कि जवाब उनसे मांगे, ये हमसे बेकार में पूछते हैं।